हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नेपाली ट्रेडिशनल गोल्ड ज्वेलरी। सो जितनी भी ज्वेलरी मैं आपको दिखाऊंगी सब नेपाली कल्चर से रिलेटेड हैं, और अगर आपको इनमें से कोई सा भी पसंद आता है ना, तो फ्रेंड्स अपने लिए ज़रूर बनवाएगा। बहुत ही अच्छा लुक आता है इस तरीके की जब आप ज्वेलरी, ट्रेडिशनल ज्वेलरी कैरी करते हैं। तो ये फ्रेंड्स, इस तरीके के जो नेकलेस होते हैं बहुत ज़्यादा चलते हैं, बहुत ही ट्रेडिशनल ज्वेलरी है। और ये गोल्ड में भी आता है, जो कॉइन्स होते हैं सिल्वर में भी आता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा डिज़ाइन है। और फ्रेंड्स, वैसे मैंने देखा है जो नेपाली ट्रेडिशनल ज्वेलरी होती है उनमें मोतियों का काम बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि सफ़ेद मोती हो गया, काले मोती, रेड मोती, या फिर मल्टी कलर्स के मोतियों का काम बहुत ज़्यादा होता है। चाहे वो मंगलसूत्र ले लो, बहुत ही प्यारे डिज़ाइंस के होते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसको तिलहरी कहते हैं। इस तरीके की जो तिलहरी होती है ना, वो गढ़वाल में भी चलते हैं, शायद आपने देखा होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई भी नेपाल का है या फिर आपको थोड़ा नेपाली ज्वेलरी के बारे में पता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि इसे क्या बोलते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके के जो मंगलसूत्र होते हैं मैंने गढ़वाल में भी देखे हैं, बहुत ज़्यादा चलते हैं। ये देखिए, है ना कितना प्यारा डिज़ाइन। तो मुझे तो सारे डिज़ाइन बहुत ही पसंद आते हैं जो नेपाली ज्वेलरीज होती हैं। ये देखिए तिलहरी, छोटे में भी आता है, मीडियम साइज़, लार्ज साइज़, तो इस तरीके के बहुत ज़्यादा चलते हैं। ये देखें, और फ्रेंड्स ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये सारे डिज़ाइंस कैसे लगे, ये सभी ज्वेलरी कैसे लगे। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, बहुत ही प्यारे ज्वेलरीज हैं। और इस तरीके की जो ज्वेलरी होती है ना फ्रेंड्स, ये पहले सिल्वर में चलती थी, अब गोल्ड में भी चलती है, बहुत ही अच्छा लुक आता है। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये तिलहरी है, देखो कितने बड़े लार्ज साइज़ में भी है, स्मॉल साइज़ में भी, मीडियम साइज़ में भी। वैसे फ्रेंड्स, ये जो तिलहरी होता है ना, ये मिडल में होता है इस तरीके का, और मतलब गोल्ड का होता है ये। ये देखिए, अंदर से लाख भरी रहती है इनमें। इस तरीके के लॉकेट बहुत ज़्यादा चलते हैं नेपाली। ये देखिए, नेपाली ट्रेडिशनल लॉकेट्स हैं ये। और अब मैं आपको दिखाऊंगी, ये चांद का शेप है ये फ्रेंड्स। जब दुल्हन होती है ना, वो अपने हेड में यानी बालों में लगाते हैं इस तरीके के जो चांद होते हैं। ये देखिए, वैसे फ्रेंड्स आप में से कोई भी नेपाली तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इन्हें बोलते क्या हैं और लगाते क्यों हैं ये। इतना मुझे पता नहीं है, बट मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो अगर आपको इनमें से किसी को भी आइडिया है आप में से, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये देखिए, चांद शेप का होता है ना फ्रेंड्स, कितना प्यारा लग रहा है। आई होप आपको सारे डिज़ाइंस पसंद आ रहे होंगे, मुझे तो सभी डिज़ाइंस पसंद आए, सभी ज्वेलरी पसंद आई। वैसे ज्वेलरी सभी अच्छी होती है, चाहे वो कोई सी भी स्टेट की हो, तो गोल्ड गोल्ड ही होता है फ्रेंड्स। ये देखिए, है ना कितने प्यारे डिज़ाइंस। तो इस तरीके के स्टोन्स में भी आते हैं, प्योर गोल्ड में भी होते हैं। ये देखिए, और इस तरीके के बैंगल्स भी बहुत ज़्यादा चलते हैं नेपाली। और फ्रेंड्स, बाकी ज्वेलरी सेम ही है, चाहे वो नेकलेस ले लो या कुछ भी ले लो। सो आई होप आपको ये फ्रेंड्स डिज़ाइंस पसंद आए होंगे। तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।